सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी एंड वेलकम टू प्लैनेट गेट। तो होपफुली आप सभी लोगों को अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने कराए वो सारे के सारे समझ में आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक आपने नोटिस करी होगी कि सिग्नल सिस्टम में आपकी एक अप्रोच बनती जा रही है। तो सभी लोग यार इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो इमीडिएटली, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका लाइक और शेयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या रिवाइज़ कर लिया है। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं सिग्नल सिस्टम में कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के बेसिक और उस पर ऑपरेशन, अब और उसके स्टैंडर्ड सिग्नल्स। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े, उसके ऑपरेशंस पढ़े, और कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स कवर किया था जैसे कि डेलन और यूएन के बारे में। तो आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आज हम लोग डेलन यूएन में रिलेशन देखेंगे और उसके साथ देखेंगे किसी भी जेनरिक सिग्नल को आप कैसे डेलेन और यूएन के फॉर्म में हमेशा ब्रेक कर सकते हो या हमेशा कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विशाल सोनी, आई हैव क्लियर एससी एग्जामिनेशन टू टाइम्स, राइट नाउ आई एम टीचिंग ऑन एन अकेडमी, एंड एज यू कैन सी एन अकेडमी प्लस पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू यूट्यूब, एज कम्पेयर टू स्पेशल क्लासेस। तो अगर आप एन अकेडमी प्लस पे आते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, और एक अलग से डाउट सॉल्विंग बैच आपको मिल गया। तो डाउट सॉल्विंग बैच के बारे में होपफुली आप लोगों ने अभी तक इंक्वायर कर लिया होगा कि यहाँ पे कौन से टीचर कौन से डे में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एवरी ट्यूसडे प्रेजेंट रहता हूँ 2 से 3 PM के बीच में, तो जितने भी प्लस यूजर्स हैं वो आके अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं मैथ्स के और सिग्नल्स के। उसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन में आप हमारे साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हो और आपको फिर मिलती है पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस। साथ के साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है। ये सारा सब कुछ मिलता है अंडर सिंगल सब्सक्रिप्शन, और वो सब्सक्रिप्शन आपका अनलॉक होता है बाय यूजिंग दिस कोड। तो जितने भी लोग अभी सेशन में प्रेजेंट हो सभी लोग यार इमीडिएटली क्या करो, एटलीस्ट ये कोड लगा के आप अपने फ्री प्लान्स अनलॉक कर लो। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और ये कोड लगा के आप अपना फ्री प्लान्स अनलॉक करो और फ्री प्लान्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस में आपके लिए PYQs भी लेके आने वाला हूँ सिग्नल सिस्टम के। तो एटलीस्ट आप वहाँ से PYQs करना स्टार्ट करो, और जब भी आपको लगता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए यू कैन टेक इट। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि या तो आप YouTube लेक्चर से पढ़ लो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको जो भी मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा कंटेंट तो हम आपको YouTube में फ्री में दे देंगे, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। आप हमेशा YouTube लेक्चर्स के लिए जाओ, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाना और भी एक्स्ट्रा पर्क्स चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए, तो आप फिर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसे ही बैचेस आपके स्टार्ट होते हैं आप इनको ज्वाइन करो। ओके चलो, और आपका 31st से कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है और 17th से आपका स्टार्ट हो रहा है एनालॉग। तो एनालॉग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कंट्रोल 31st से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो यार फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग रेडी हो। चलो, कल वाला सब कुछ समझ में आ गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आई थिंक अब हम क्या करते हैं आज की क्लास में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेलन एंड यूएन? ठीक है, तो ये रिलेशन ज़रा देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आएगा अगर आज तक आप समझ गए हो। अभी तक की सारी क्लासेस अगर आप समझ गए हो ना, तो ये क्लास भी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें क्या करना है। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेलन एंड यूएन या यूएन एंड डेलन। आइए चेक करते हैं। देखो ज़रा, एक चीज़ तो आप सभी लोग समझ सकते हो कि सपोज़ अगर मैं यूएन का ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, सपोज़ अगर मैं यूएन का ग्राफ बनाता हूँ, ये सभी लोग अग्री करेंगे दैट दिस इज़ द ग्राफ ऑफ यूएन। ठीक है, तो आप मुझे बताओ दुनिया का कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ग्राफ हो, क्या आप उसको हमेशा डेलन के फॉर्म में लिख सकते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का आप ग्राफ उठा लो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बना दिया, तो क्या आप उसको हमेशा डेलन के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डेलन तो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल सैम्पल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। यानी कि यहाँ पे जो आप यूएन वाला सिग्नल लिख रहे हो, इस यूएन वाले सिग्नल को अगर मैं चाहता तो सीक्वेंस फॉर्म में ऐसा भी तो लिख सकता था, 1 1 1 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैं लगा देता एरो एन इक्वल टू 0 पे, है ना, ऐसा एरो लगा देते। अब देखो जो यूएन का आपने पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं एक एक सैम्पल वैल्यू इसको पिक करता, फॉर एग्जाम्पल इसको पिक करता, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 दिख रहा था एट एन इक्वल टू 0, तो मैं इसको डेल एन लिख देता। सिमिलरली ये था एन इक्वल टू 1, ये था एन इक्वल टू 2, तो मुझे n इक्वल टू 1 पे एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा था 1, तो मैं इसको लिख देता डेल ऑफ n माइनस 1। यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक आप समझो कि दुनिया का कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपको दे रखा होगा, उसको आप हमेशा वेटेड सम ऑफ शिफ्टेड डेल के फॉर्म में लिख सकते हो। वेटेड सम का मतलब क्या हो गया, जो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो आप डेल में वेट लगा देना, और शिफ्टेड का मतलब क्या हो गया कि कभी डेल n माइनस 1 लिखेंगे, कभी डेल ऑफ n माइनस 2 लिखेंगे, कभी डेल ऑफ n माइनस 3 लिखेंगे, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो अब जरा यहाँ से दोनों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं।
अगर आप ध्यान से देखो तो आप यू एन को क्या लिख पा रहे हो, डेल एन मतलब एन इक्वल टू जीरो पे वन एम्पलीट्यूड का सिग्नल, डेल ऑफ एन माइनस वन मतलब वन पे वन एम्पलीट्यूड का एक सिग्नल, डेल ऑफ एन माइनस टू मतलब एन इक्वल टू टू पे वन एम्पलीट्यूड का एक सिग्नल, डेल ऑफ एन माइनस थ्री मतलब एन इक्वल टू थ्री पे वन एम्पलीट्यूड का एक सिग्नल अप टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से यू एन लिखना होता तो देखो आप सभी लोग अग्री करेंगे कि यू एन यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल ऑफ एन माइनस के, और के को मैं स्टार्ट कर देता हूँ जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इसको याद रखना है, मैं बोलूँगा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, और याद होने के साथ साथ इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, याद तो रखना इंपॉर्टेंट है ये, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इसका लॉजिक कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो या नहीं, या लॉजिक को यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो जल्दी से यार एक बार कमेंट सेक्शन में कन्फर्म करो आप लोग। ठीक है, चलो, तो आई होप यहाँ तक सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सभी को समझ में आ रहा है, यस वेरी गुड। चलो, अब ये यू एन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, करेक्ट। अब यू एन लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आइए क्या करते हैं इसी का एक दूसरा वेरिएशन चेक करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको कुछ शॉर्टकट समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी जो शॉर्टकट्स इसके बाद समझाऊंगा उस शॉर्टकट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना और ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, बट पहले ये वाला प्रोसेस क्लियर हो गया, अब इसी का एक वेरिएशन देखते हैं। यानी कि ये चीज़ तो उनको समझ में आ गई कि यू एन इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी डेल ऑफ एन माइनस के, ऑब्वियसली के इज एन इंटीजर। इसका अगर एक दूसरा वेरिएशन हम निकालने जाएं और हम मान लें लेट एन माइनस के इज इक्वल टू पी, ऐसा अगर हम मानते हैं तो आप ज़रा ध्यान से नोटिस करो, अगर सपोज़ यहाँ पे के की वैल्यू मैं ज़ीरो डाल देता हूँ तो पी की वैल्यू आपको कितनी दिखने वाली, देन पी बिकम्स एन। सिमिलरली अगर मैं के की वैल्यू डाल देता हूँ इनफाइनाइट, कि अगर मैं इनफाइनाइट डाल दूँ तो पी की वैल्यू कितनी मिलने वाली, माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट यूज़ किया। अब अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो k इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा था p इक्वल टू एन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा p इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और ये आपको एक्सप्रेशन मिला डेल ऑफ p। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और सोच समझ के बताना। सपोज़ अगर मैं ऐसा कुछ देता हूँ n इक्वल टू वन टू थ्री, और यहाँ पे सपोज़ मैंने लिख दिया n, ठीक है, और एक दूसरा एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूँ एन इक्वल टू थ्री टू वन एन, तो बताइए क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको सेम रिजल्ट देंगे या नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। असल में दोनों हैं तो समेशन के ही रिप्रेजेंटेशन, अगर दोनों समेशन के रिप्रेजेंटेशन है तो आप यहाँ पे एन इक्वल टू वन पुट करोगे, फिर एक बार टू और एक बार थ्री, यहाँ पे एक बार थ्री पुट करोगे, एक बार टू पुट करोगे, एक बार वन, दोनों जगह से रिजल्ट देखो आपको कितना मिल रहा है, सिक्स। यानी कि समेशन के केस में अगर आप ऊपर वाली लिमिट नीचे ऐड लिख देते हो या नीचे वाली लिमिट ऊपर लिख देते हो तो असल में उससे आपके समेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए समेशन पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर आपको नंबर्स को ऐड करना है तो चाहे एक से लेके तीन तक ऐड कर लो, चाहे तीन से लेके एक तक ऐड कर लो, ऑल इन ऑल आपका कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया कि अगर आपके पास कोई समेशन लिखा हुआ है तो समेशन में आप एन इक्वल टू वन टू थ्री की जगह अगर एन इक्वल टू थ्री टू वन भी लिख दो ना तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट समेशन इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन के केस में आपने लिखा होगा कि जब आप लिमिट चेंज करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मिल जाता है। मतलब अगर मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करता या एफ टी डी टी कैलकुलेट करता तो ये तो सभी ने पढ़ा होगा कि अगर मैं ये लिमिट बी टू ए कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाना चाहिए एफ टी डी टी। तो समेशन के केस में ज़रूर, अगर सॉरी इंटीग्रेशन के केस में ज़रूर अगर आप लिमिट चेंज करोगे तो एक्स्ट्रा नेगेटिव का साइन आता है, बट समेशन के केस में ऐसा कुछ होता नहीं। तो कितने लोग ये समझ गए पॉइंट यार, एक बार मुझे बता दो सभी लोग, जितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पे ना जस्ट मैं लिमिट चेंज करना चाहता हूँ या इन्फिनिटी मैं नीचे लाना चाहता हूँ, एन को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से देखो आपको एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यू एन इज इक्वल टू पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन डेल ऑफ पी। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, ठीक है, समझ गए। तो जस्ट यहाँ पे मैं p इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी नीचे लेके आया और p इक्वल टू n ऊपर लेके चला गया ताकि दिखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्योंकि कम से ज़्यादा की तरफ जाना ज़्यादा अच्छे से हमारा दिमाग एसोसिएट कर पाता है। ओके फाइन, ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब देखो ये p क्या होता है, दिस इज योर डमी वेरिएबल, मतलब इस p के जगह पे अगर आप k रख दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक्सप्रेशन तो वही मिलेगा डेल ऑफ माइनस इन्फिनिटी और उसके बाद अप टू डेल n, अगर मैं p की जगह k रख दूँ तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस p को हम लोग क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल। ठीक है, तो आपका पूरे सिग्नल एंड सिस्टम में कई बार डमी वेरिएबल्स के साथ सामना होगा। चलो, तो यहाँ पे सच चाहता तो मैं इसको ऐसे अगेन लिख देता, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन डेल ऑफ k, करेक्ट, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को। ठीक, चलो दोनों एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं आपस में कंपाइल कर लेते, तो यहाँ तक नोट कर लो, जो लोग भी नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट भी करते हुए चलिए। आई थिंक ये बहुत सिंपल है
और आसानी से आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। तो जैसे ही हो जाएगा आप लोगों का नोट, तो एक बार मुझे बता देना, डन कर देना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आगे आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। कर लो, आराम से नोट कर लो, ठीक है। तो सिग्नल सिस्टम में प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास नोट्स की और पी वाई की उसकी, तो वो प्रैक्टिस ज़्यादा आप करिए ताकि सब्जेक्ट्स पे आप अच्छे से कमांड ला सको, ठीक है, हो गया। चलो अच्छा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, सो वी हैव गॉट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से? देखिए, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो पहला हमने सीखा कि अगर मैं अपना यू एन को चाहूँ तो लिख सकता हूँ के इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी डेल ऑफ एन माइनस के। इसको विजुलाइज करना भी बहुत सिंपल है, और इसी को मैंने मॉडिफाई करके कर लिया था माइनस इन्फिनिटी टू एन डेल ऑफ के, ठीक है। तो ये पहला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा रिलेशन तो कल भी हमने देखा था, उसमें तो कोई चिंता वाली बात है नहीं कि सपोज़ अगर हमसे कोई पूछता वॉट इज़ डेल एन, तो आप सिंपली लिख सकते हो यू एन माइनस यू ऑफ एन माइनस। हाँ, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेकेंड वाला आपके दिमाग में, मेरे ख्याल से सभी लोगों के दिमाग में इमीडिएटली ग्राफ बन गया होगा। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा, आपके दिमाग में पूरा ग्राफ बन गया होगा कि अच्छा, यू एन का ग्राफ मतलब एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है, यू ऑफ एन माइनस वन का ग्राफ मतलब वन से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना डेल एन बाहर आ जाएगा। तो आगे से याद रखना कि अगर आपको कभी डेल एन या डेल के वॉट एवर इज गिवन टू यू, अगर वहाँ से आपको यू एन पे जाना है तो ये वाला रिलेशन यूज़ करना, और अगर आपके पास यू एन दे रखा है वहाँ से डेल एन पे जाना है तो ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। चले अब एक शॉर्टकट डिस्कस करें। अब देखना, वो शॉर्टकट बहुत बेहतरीन होगा और वहाँ से ना आपको काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आइडिया लगेगा कि आपको क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आई थिंक सभी को क्लियर है। तो बॉटम लाइन यहाँ तक क्या हो गई, जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या सीखा हमने। मैंने आपको ये बताया, दुनिया का कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ले लो, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर आपने कोई भी ले लिया तो जाहिर सी बात है हर एक इंटीजर वैल्यू पे कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड दिखेगी। जैसे यहाँ पे हो सकता है वन पे दो होता, दो पे माइनस वन होता, तीन पे चार होता, चार पे पाँच होता, ऐसे करके कुछ एम्पलीट्यूड होता। तो आप दुनिया के किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कैसे लिख सकते हो, एज द वेटेड सम ऑफ शिफ्टेड इम्पल्सेज। वेटेड सम का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले एक इम्पल्स ले लो, उसके ऊपर वेट लगा दो, वेट लगाने का मतलब उसके एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में ऐसे शिफ्टेड इम्पल्सेज का आप सम ले लो, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन में इसको थोड़ा और चर्चा करेंगे इस बात की, और अभी आगे भी देखते हैं कि जब हमें कोई किसी जनरल सिग्नल को डेल एन और यू एन दोनों में ही लिखना पड़ेगा तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो खैर वो बात की बात है, बट अभी के लिए ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, फिर उसके बाद सीधे आ जाना यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग इसको रिकॉल कर लेंगे, आई होप सभी ने नोट भी कर लिया। अब आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपको समझाता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से यार थोड़ा फोकस बढ़ाइए सभी लोग, और देखो सेशन को शेयर भी करते रहे, है ना, सेशन में अटेंडेंस डे बाय डे गिरती जा रही है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम हमेशा चाहेंगे कि हम इस चैनल पे पढ़ाएं, बट हम तभी पढ़ा पाएंगे जब हमें रिस्पांस बेहतर मिलेगा, ठीक है। आइए चलो चेक करते हैं कौन सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। पहली चीज़ मैंने आपको समझाई, फर्स्ट चीज़ जो मैंने आपको समझाई वो तो मैंने ये समझा दिया ना। अब इसको ऑपोजिट क्या करते हैं, थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज़ आपको ये तो पता है k इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी डेल ऑफ n माइनस k, ऐसा एक एक्सप्रेशन सपोज आपके पास लिखा हुआ है। तो आपको दो तरीके के समीशंस दिखेंगे डेल के केस में। एक समीशन दिखेगा जिसमें आपकी अपर लिमिट हमेशा क्या रहेगी, इन्फाइनिट। अपर लिमिट इन्फाइनिट रहेगी तो आप क्या करना, इस अपर लिमिट को पहले होल्ड कर लेना, ठीक है, कि अपर लिमिट इन्फिनिटी मिली, यानी यहाँ से पहला रेफरेंस पॉइंट मैंने पिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जो के इक्वल टू जीरो दिख रहा था ना वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे के इक्वल टू जीरो डालूंगा, अंदर क्या बचा एन, और बाहर वाले डेल को आप किससे रिप्लेस कर लेना, यू एन से रिप्लेस कर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी हल्का फुल्का आपको आइडिया लगे, उतनी अच्छी क्लैरिटी से समझ में नहीं आए, तो दो तीन स्टेप्स और करता हूँ, दो तीन क्वेश्चंस आपको और समझाता हूँ, तो आपको पूरी तरीके से लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। बट उससे पहले आप कोशिश करिए मैं क्या बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। एक समीशन आपको दिख रहा है, उस पर्टिकुलर समीशन में एक लिमिट जीरो है, दूसरी लिमिट इन्फिनिटी है, और अंदर कुछ डेल ऑफ एन माइनस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है।
आपने k इक्वल टू 0 यहाँ से उठाया, यहाँ पे डाल दिया, तो अंदर तो n बच गया और बाहर वाले डेल को आप u से रिप्रेजेंट कर देना। तो अभी होल्ड करो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखते ही आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो सपोज मैं ऐसा लिख देता, k इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी डेल ऑफ n माइनस k। अब देखो यहाँ पे क्या करना, आपने चेक किया कि यार एक लिमिट ऊपर वाली इन्फिनिटी थी, इस k को उठा के यहाँ पे डाल दो, अंदर क्या बचा n माइनस 4, डेल को किससे रिप्लेस कर देना, u से। चलो एक और इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आपको समझाता हूँ। अब आगे से ना ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आप ग्राफ नहीं बनाओगे, ज़रूरत नहीं है। चलो अब इसको एक सेकेंड में आपको लिखना आना चाहिए। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखता है जहाँ पे एक लिमिट नीचे वाले पे मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, हमेशा मैं ऊपर वाली लिमिट को होल्ड कर रहा हूँ, ये इन्फिनिटी हो ये इन्फिनिटी हो, तो ऊपर वाली लिमिट को जैसे ही आप होल्ड करोगे आपको दिखेगा ये क्या मिल गया, इन्फिनिटी। दिखा सभी को ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी, ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी आपकी है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली लिमिट को चेक करना था। क्या दिखा, के इक्वल टू 4 यहाँ पे डाल दिया, तो अंदर क्या मिल जाएगा, यू ऑफ एन माइनस 4 प्लस 2, और आंसर आपको मिल जाएगा यू ऑफ एन माइनस 2। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। मेरे ख्याल से तीन एक्सप्रेशन लिखते लिखते तक आपको ये पूरा आइडिया क्लियर हो गया कि पहला ऑब्जर्वेशन मैं क्या बता रहा हूँ। आगे से आपको कोई भी ऐसा समीशन दिखता है तो k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी को हमेशा आप क्या कर लिया करो, फिक्स कर लिया करो कि अगर ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी है तो नीचे से मैं k की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दूँ कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, आ गया सभी को समझ में ये पॉइंट? ठीक है, नोट भी कर लो यार, नोट करने के साथ साथ समझते भी जाओ। तो ये ऑब्जर्वेशन ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इन ऑब्जर्वेशन को आप बेहतर तरीके से ले पाओ, अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर पाओ, तो आपके लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये पहला ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने लिया, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। आइए बात करते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के, होपफुली सभी ने नोट कर लिया, आ रहा ना समझ में आज के क्लास में। तो अब देखो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी ना वैसे वैसे आपको भी एक्सपर्ट होते जाना, एक्सपर्ट मतलब पुरानी चीज़ों को रिवाइज करके आते रहना, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करके आओगे तो सिग्नल के क्लास में आपको बहुत बेहतरीन मज़ा आएगा, क्योंकि सिग्नल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निक पे बेस्ड है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, पूरे सिग्नल में आप पढ़ोगे कहीं पे एक सिंगल फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे जिनको भी मैं आपको टेक्निक से याद कराऊंगा, जैसे ये चीज़ें। तो अगर ये किसी को आप बता दो जिसने थोड़ा बहुत सिग्नल पढ़ रखा है तो वो तो हमेशा सीख सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी लग रहा है, ये दीज आर टेक्निक्स, टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो आप टेक्निक्स को बहुत ईजिली एब्जॉर्व कर लो। चलो सभी ने नोट भी कर लिया, अब इसी से मिलता जुलता है सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन डेल ऑफ के। ठीक है, अब इसका भी आंसर आपको तो पता ही, यू एन आने वाला है, यहाँ पे हमेशा क्या करना, माइनस इन्फिनिटी वाली लिमिट को होल्ड कर लेना। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो चलो मैंने इसको होल्ड कर लिया, इस बार मैं एन को यहाँ डालूंगा, अंदर मुझे दिखा एन, ये हो गया यू एन। ठीक है, ये पहला। सेकेंड वेरिएशन इसका अगर चेक करें हम लोग तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सपोज नीचे तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी रहने वाला है, ऊपर मैं लिख देता हूँ एन माइनस टू डेल ऑफ के। तो ये भी एक लाइन का काम, नीचे दिख रहा माइनस इन्फिनिटी, ऊपर आपको दिखा एन माइनस टू, एन माइनस टू उठाओ यहाँ से, इसमें डालो, मिल जाएगा यू ऑफ एन माइनस टू। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन माइनस टू डेल ऑफ के प्लस 4, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपने नीचे यहाँ पे भी देखो माइनस इन्फिनिटी को होल्ड कर लिया, हमेशा नीचे वाला जो माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है ना उसको आप हमेशा होल्ड कर लिया करो, कि ये माइनस इन्फिनिटी तो होना चाहिए तभी मैं ये रूल लगा पाऊँगा। तो नीचे मुझे दिख गया माइनस इन्फिनिटी, अगर मुझे माइनस इन्फिनिटी दिखा तो ऊपर से ये जो एन माइनस टू दिख रहा था ये के की जगह पे ला के डाल दो। तो जब आप डालोगे तो डेल की जगह यू एन लिख लेना, ये मिल गया एन माइनस टू प्लस 4 या फिर यू ऑफ एन माइनस टू। ठीक है यार, तो ये दोनों वेरिएशंस ना बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरिएशन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझिए और इनको एब्जॉर्व करिए। होपफुली दोनों ऑब्जर्वेशन आप समझ गए, एक में ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी थी तो अंदर कुछ डेल ऑफ एन माइनस जैसा फॉर्मेट बार बार बन रहा था, एक में लिमिट थी माइनस इन्फिनिटी नीचे वाली और अंदर डेल के जैसे कुछ फॉर्मेट्स बन रहे थे। तो इनको एक बार आप प्रैक्टिस करो, एक बार ये प्रैक्टिस हो जाते हैं तो मुझे बताओ, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन ओपन हेम का ही क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब वो आप क्वेश्चन ना विद इन सेकेंड्स कैसे कर सकते हो वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसके लेंदी सॉल्यूशंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट मैं इसका आपको विद इन सेकेंड्स करने वाला तरीका बताता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ जो चीज़ें आप कल से पढ़ रहे हो ना उसकी असल में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आज आपको समझ में आ जाएगी जो भी चीज़ें आप कल से पढ़ रहे हो। चलो
तो क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन कर रखा है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू वन माइनस समेशन ऑफ के इक्वल टू फोर टू इन्फिनिटी डेल ऑफ एन माइनस के माइनस वन, ओके। और ये दे रखा है इट इज़ इक्वल टू यू ऑफ एम इंटू एन माइनस कैपिटल एन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कैपिटल एम की वैल्यू बताना है एंड कैपिटल एन की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग आराम से दो मिनट का टाइम लो, जो भी सोच पा रहे हो सोचो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है सारा थॉट यहाँ पे लगाओ, देखो आप क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं अभी तक जो आपने पढ़ा उसका किस फॉर्म में आप एप्लीकेशन कर पा रहे हो, तो सारी चीज़ें आप करने की कोशिश करो खुद से, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसका सही से आंसर निकाल के बताओ। कंपैरिजन हमेशा करेक्ट करना, ये है एन माइनस के माइनस वन, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ दैट दिस इज़ योर वन, ये पॉइंट है आपका एन माइनस के माइनस वन, ओके। चलो शुरू हो जाओ यार सभी लोग, ठीक है। तो कंपैरिजन वगैरह मुझे बिल्कुल करेक्ट चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स की। देखो इतना वाला हिस्सा तो मुझे लग रहा है सभी लोग रिजॉल्व करके बैठे होंगे, ये वाला, ये तो अभी भी मैंने सिखाया, ऊपर वाले लिमिट इन्फिनिटी, अंदर कुछ एन माइनस के जैसा, नीचे के इक्वल टू फोर, है ना। तो इतना तो सभी लोगों ने ब्रेक कर लिया होगा। जब आपने वो ब्रेक करा होगा तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे तो u बन रहा था और यहाँ पे 1 माइनस यू बन रहा था, है ना। तो क्या आप 1 माइनस यू को वापस से u लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सा रिजल्ट लगा लेना, जो कल मैंने आपको समझाया था ना, यू एन प्लस यू माइनस एन माइनस वन इक्वल टू वन, वहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ करो। और अगर कोई रिक्वायर्ड सब्सटीट्यूशन है तो सब्सटीट्यूशन भी पुट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो करो आराम से, तो जैसे ही हो जाएगा मुझे बता भी देना कि आपका हो गया, ओके। सेशन को यार लाइक और शेयर करते रहना है, और जो पुरानी वाले वीडियोस हैं या प्लेलिस्ट हैं उसको भी एक बार आप शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप्स में, ताकि अगर कोई नीडी स्टूडेंट हो जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो इन सारे सेशंस के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाए। डन, चलो आइए देखते हैं ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स ऑफ है, ये तो हो गया वन माइनस है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट तो इन्फिनिटी दिख रही है तो आपको यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार काम तो बन सकता है। अंदर दिख रहा था डेल ऑफ एन माइनस के, आपने के इक्वल टू फोर उठा के यहाँ पे डाल दिया और डेल की जगह पे इसलिए यू डाल दिया। तो मेरे ख्याल से इतना तो शायद सभी ने कर लिया होगा इतने डिस्कशन के बाद, है ना। तो एक्स एन इज इक्वल टू आपको मिल गया वन माइनस यू एन माइनस फाइव, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका कंपैरिजन वो यू से कर रहा था। अगर इसका कंपैरिजन वो यू से कर रहा था तो दोनों साइड यार कंपैरिजन में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वही जो कल मैंने आपको बताया था जैकपॉट, वो जैकपॉट यूज़ करते हैं, यू एन प्लस यू माइनस एन माइनस वन। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी मदद करेगा। तो देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते थे, यू माइनस एन माइनस वन इक्वल टू वन माइनस यू एन, ये तो सबको पता है ना। अभी देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी आपको चाहिए, वन माइनस यू ऑफ एन माइनस फाइव, तो दोनों तरफ एन को एन माइनस फाइव से रिप्लेस कर देते हैं तो जल्दी हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे ही आप ऐसा करोगे n को n माइनस फाइव से रिप्लेस करोगे आप, तो यहाँ पे देखो मिला n माइनस फाइव, ये हो गया माइनस वन। वैसे यहाँ पे आपको मिल गया वन माइनस यू ऑफ n माइनस फाइव। अब ज़रा कंपैरिजन करके देखो तो ये आपको मिलेगा माइनस n प्लस फाइव माइनस वन इक्वल टू वन माइनस यू ऑफ n माइनस फाइव, ठीक बात है। अब आप अगर यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो ये मिलेगा माइनस n प्लस फोर एंड दिस इज वन माइनस यू ऑफ n माइनस, ठीक है। चेक करिए और बताइए कितने लोगों को यहाँ तक लॉजिक बहुत इजीली समझ में आ गया बिना ज़्यादा दिमाग पर जोर डाले, है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि डिस्क्रीट टाइम के क्वेश्चंस में आप लॉजिक से क्वेश्चन को क्रैक करने पर ज़्यादा फोकस करें, रादर कि आप ये सोचो कि हम इस क्वेश्चन में ग्राफ कैसे बना लें, हम इस क्वेश्चन में और क्या चीज़ें सोच सकते हैं। वो आप सोचिए, नो डाउट सेकेंडरी आपको सोचना भी चाहिए कि ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या होती है, बट बिफोर दैट अगर लॉजिक से क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे हैं तो वो हमेशा जल्दी आंसर आपको देगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अब कंपैरिजन मिल गया, यानी कि इसकी वैल्यू जो मुझे दिख रही है वन माइनस यू ऑफ एन माइनस फाइव, यहाँ से अगर मैं रिजल्ट को लिखता तो मुझे रिजल्ट दिख रहा है यू ऑफ माइनस एन प्लस फोर इक्वल टू यू ऑफ एम एन माइनस एन। अब दोनों साइड कंपैरिजन आप करो, कंपैरिजन करने पे आपको कैपिटल एम की वैल्यू दिख जाएगी माइनस वन और कैपिटल एन की वैल्यू दिख जाएगी माइनस फोर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर जितने लोगों का आ रहा था
उनका आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर, और उन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया, और ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है चलो, तो ये एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन ओपन हिम का ही क्वेश्चन है, तो वैसे तो इसका सॉल्यूशंस आपको अलग अलग तरीके के दिखेंगे, बट मेरे ख्याल से ये सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। ठीक है, अब तो चर्चा अपनी हो गई कि डेल एन को यू एन से कैसे रिलेट करते हैं, यू एन को डेल एन से कैसे रिलेट करते हैं, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, ये तो बात ठीक थी। अब हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो ये होता है कि क्या हम सिंथेसिस और एनालिसिस को प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सिंथेसिस और एनालिसिस कैसे करते हैं, और उसका भी मैं आपको शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ तक बता दो, अगर सारे पॉइंट क्लियर हैं तो मैं आपको सिंथेसिस और एनालिसिस वाले पोर्शन में लेके चलता हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना इसका सिंथेसिस और एनालिसिस, उसमें भी आपको मज़ा आएगा वो वाली टेक्निक समझ के, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सिंथेसिस का मतलब किसी चीज़ को बनाना, एनालिसिस का मतलब बनी बनाई चीज़ को एनालिसिस करना। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, वहाँ से ग्राफ बनाइए या सीक्वेंस लिखिए, और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस दे रखा है, सॉरी आपका ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। आइए देखते हैं सिंथेसिस, तो उसके भी मैं कुछ आपको शॉर्टकट्स समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एंड एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एनालिसिस, ठीक है ना। चलो देखो भाई, सिंथेसिस और एनालिसिस क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूँ सिंथेसिस और एनालिसिस करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस पहले दे रखा है और वहाँ से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालिसिस की। अब ये देखो नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, एनालिसिस सिंथेसिस वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ निकालना होगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। फॉर एग्जांपल हमको एक सीक्वेंस मेंशन कर रखा है, मैं इसमें दो केसेस आपको समझा देता हूँ। केस वन, एक्स ऑफ एन इज फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, बहुत ध्यान से सुनना, दो केसेस इनफैक्ट तीन केसेस समझा रहा हूँ, तीनों केसेस ही बड़े इंपॉर्टेंट, फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपका एक्स ऑफ एन फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस आता है तो उसकी आप कैसे करोगे एनालिसिस, मतलब उसको लिखोगे कैसे, ऑल इन ऑल ये बात हो रही है। तो सपोज मैं आपको एक्स ऑफ एन का एक एक्सप्रेशन दे देता हूँ, ये एक्सप्रेशन आप ले लीजिए 1346। ओके, ये आपको दे रखा है, ध्यान से पहले सभी लोग समझेंगे फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन वाले पार्ट में हम लोग आएंगे। सपोज ऐसा कुछ आपको दे रखा है, ओके 1346 आपको मेंशन कर रखा है, और आपसे बोल रहा है कि इसको तुम लिखो मैथमेटिकली। तो इसको मैथमेटिकली लिखने से पहले आप मुझे बताना कि अगर क्वेश्चन में आपको एक्स ऑफ एन दे रखा हो या इसका ग्राफ दे रखा हो, बात तो सेम ही है। क्योंकि देखो अगर एक्स ऑफ एन का ये सीक्वेंस दे रखा है और अगर आपको क्वेश्चन में इसका ग्राफ दिया होता तो दोनों चीज़ें तो हमारे लिए सेम ही होती ना, क्योंकि हम एक्स ऑफ एन से भी क्या ही करते, मीन्स ग्राफ से भी क्या ही करते, सीक्वेंस ही लिखते सबसे पहले। तो क्वेश्चन में दो तरीके का डेटा आपको दिया हो सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दे दे, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे दे। ठीक है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको मेंशन रहेगी रहेगी क्वेश्चन में, -1, 0, 1, 2, और ये वैल्यूज लिख लो 1346। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, कि अगर ग्राफ दिया है तो हमेशा सीक्वेंस पे लेके आना, सीक्वेंस दिया तो सीक्वेंस को तो रहने देंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये था आपका एक्स ऑफ एन इक्वल टू 1346। तो आपको याद आना चाहिए कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि दुनिया का कोई भी सिग्नल हो आप उसको हमेशा डेल के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी इसी एक्स ऑफ एन को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है इस एक्स ऑफ एन को लिखने का, मेथड वन। मेथड वन तो हमेशा ही लिख सकते हो आप इसको, एक्स ऑफ एन यहाँ पे आपको दिख रहा है एन इक्वल टू 0, 1, 2, -1। ठीक है, -1 पे एम्पलीट्यूड 1 है तो आप इसको लिख देना 1 डेल ऑफ एन प्लस 1, एन इक्वल टू 0 पे 3 है 3 डेल ऑफ एन, एन इक्वल टू 1 पे 4 है तो 4 डेल ऑफ एन माइनस 1 प्लस 6 डेल ऑफ एन माइनस 2। इसमें देखो किसी को कोई प्रॉब्लम,
तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ना कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दे रखा है तो आप उसको शिफ्टेड इम्पल्सिस के फॉर्म में लिख सकते हो, सब पे वेट लगा दो। इसी को क्या बोला जाता है, वेटेड सम ऑफ शिफ्टेड इम्पल्सिस। सब पे आपने एक का वेट लगा दिया, तीन का, चार का, छः का, और सबका आपस में समेशन कर दिया, बात हो गई यहाँ पे खत्म। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, सभी लोग नोट कर पा रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ठीक है। चलो तो ये पूरा का पूरा पार्ट आप सभी लोग इजिली समझ पा रहे होगे आई होप, और इस एक्स ऑफ एन को सभी लोग लिख भी पा रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दूसरा मेथड मैं समझाता हूँ ना, दूसरा वाले मेथड को ध्यान से समझना, वो मेथड होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल। तो मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ यार इस वाले मेथड पे। देखो आपने नोटिस करा कि एक्स ऑफ एन था फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस 1, 3, 4, 6। जब भी दूसरे मेथड में आपको लिखना होगा तो दूसरे मेथड में लिखने का मतलब है कि एक बार आप एक्स ऑफ एन के फॉर्म में तो लिख चुके हो, सॉरी डेल ऑफ एन के फॉर्म में तो लिख सकते हो, अब इसको हम यू ऑफ एन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो अगर हम इसको यू ऑफ एन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैं एक सिंपल सी टेक्निक आपको समझाता हूँ। आपने चेक करा कि ये था फाइनाइट ड्यूरेशन, जैसे आप ये चेक कर लो ना कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन, आप एक काम करो इसके दोनों साइड जीरो डाल दिया करो, कोई दिक्कत इसमें? जीरो तो डाल ही सकते हैं अगर फाइनाइट ड्यूरेशन दे रखा है इसने, 1, 3, 4, 6 खुद ही बोल दिया। तो एक जीरो मैंने इधर डाला, एक जीरो इधर डाला, एरो तो सेम थे। अब देखो करना कुछ है नहीं, अब आप बस चलते जाओ और हाइट्स नापते जाओ। यहाँ से चलना, जीरो से चलना, जीरो से गए, अच्छा ये एन की वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आप सभी को दिख जानी चाहिए इतनी क्लासेस के बाद, बट चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, -1, -2, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे यार, सभी लोग बस देखेंगे, कोई नोट नहीं करेगा, सभी लोग बस देखेंगे और सुनेंगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देखो आपको बस यहाँ से चलना है, आप चल रहे हो, जीरो का आपको मिला एम्पलीट्यूड, आगे गए, जीरो से कितना ऊपर जाना पड़ा वन तक पहुँचने के लिए, वन, कौन से पॉइंट पे, माइनस वन पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे यू ऑफ एन प्लस वन, आराम से समझना, सबसे सिंपल तरीका समझा रहा हूँ, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वन का लेके चले, आगे बढ़ते गए, वन से पहुँचे थ्री पे, यानी कितना ऊपर जाना पड़ा होगा, दो यूनिट, कौन से पॉइंट पे, एन इक्वल टू जीरो पे। तो लिखोगे टू टाइम्स यू एन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तीन का सैंपल वैल्यू लेके आगे चले, चार मिल गया, यानी कितना और ऊपर जाना पड़ा, एक यूनिट ऊपर जाना पड़ा, कौन से पॉइंट पे, एन इक्वल टू वन पे। अब ये चार की वैल्यू लेके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दो यूनिट और ऊपर जाना पड़ा, तो दो यू ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। फिर इस छः की वैल्यू को लेके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कितना नीचे जाना पड़ा, माइनस सिक्स, कौन से पॉइंट पे, एन इक्वल टू थ्री पॉइंट। ये होता है आपका एक बेहतरीन तरीका एक्स ऑफ एन को लिखने का। तो आगे से देखो यही सीक्वेंस की बात चल रही है, ये बात याद रखना, सीक्वेंस यही दे रखा है। कभी कभी हम उस सीक्वेंस को इस डेल एन के फॉर्म में लिखेंगे, कभी कभी सेम सीक्वेंस को मैं यू एन के फॉर्म में लिख दूंगा। होपफुली सभी को ये पूरा का पूरा लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया कि आप डेल एन में लिखना तो कोई चैलेंज है ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि डेल एन में लिखना कोई चैलेंज है क्या, तो आपको खुद लग रहा होगा यार डेल एन में लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कोई भी लिख देगा। इंपॉर्टेंट बात ये कि आप यू एन में लिख पा रहे हो और वो भी बहुत जल्दी लिख पा रहे हो या नहीं। तो मैंने सिंपल सी टेक्निक समझाई आपको कि अगर आपको कभी भी फाइनाइट ड्यूरेशन का सीक्वेंस दिया होता है ना, बस दोनों साइड जीरो जीरो डाल के काम खत्म करो। जैसे आप दोनों साइड जीरो जीरो डाल दोगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, जो सबसे इधर वाला जीरो का, बस यहाँ से चलना चालू करो, एक यूनिट ऊपर, इस वन को आगे लेके गए दो यूनिट ऊपर, तीन को आगे लेके गए वन यूनिट ऊपर, चार को आगे लेके गए दो यूनिट ऊपर, छः को नीचे लेके आ गए तो माइनस छः से नीचे आना पड़ा, एन इक्वल टू थ्री, करेक्ट, इन डाउट एनीवन इज हैविंग। चलें इसी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, इसको नोट करो यार जल्दी, अब नोट कर लो ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि समझाने से पहले आप बोलते हो नोट मत करना और बाद में नोट करने का टाइम नहीं देते हो। तो मैं टाइम देता हूँ नोट करने का, आप लोग नोट कर लो, जल्दी नोट करो इसको, ठीक है। तो देखो यार ये टेक्निक्स मतलब सुनने में, और अगर किसी को पता चल जाए ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस ढूंढोगे कि यार ऐसे क्वेश्चंस और मिले जहाँ पे मैं यही टेक्निक लगा के रिजल्ट जल्दी से लेके आता हूँ फटाफट। हो गया ना नोट सभी का, सभी ने कर लिया, चलो बहुत अच्छा। तो अब क्या करते हैं, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो, और क्या करोगे, ये लो 1, 2, 4, -3, -5, -3, ये दे दिया मैंने। अब मैं चाहूँगा कि आप इसको यू एन में लिखो सिर्फ और सिर्फ, है ना, यू एन में लिखना, डेल एन में तो कोई बड़ा चैलेंज हमारे लिए है नहीं। चलो लिखना शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, चेक किया हमने, ये सीक्वेंस था ऑब्वियसली फाइनाइट ड्यूरेशन। क्योंकि ये सीक्वेंस फाइनाइट ड्यूरेशन था तो मैं क्या कर सकता था, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में दोनों साइड पहले जीरो जीरो डाल देते, ये लो 0, 1, 2, 4, -3, -5, -3,
जीरो, ये चार पे लगा दिया मैंने यार, ठीक है चलना शुरू करते हैं इधर से। अब इसके बाद तो जोड़ना घटाना ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। चलो लेके चलते हैं। अच्छा ये वैल्यूज़ भी लिखनी, लिख लो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, लिख लिया करो क्लैरिटी के लिए, अगर नहीं समझ आता है तो वैल्यूज़ लिख लिया करो, उसमें कोई बुराई नहीं। चलो ऐसे लिख लिया हमने वैल्यूज़, ठीक है। चलो जीरो का सैंपल वैल्यू लेके चले, कितना यूनिट ऊपर जाना पड़ा, 1 यूनिट। कौन से पॉइंट पे, 2 पे, तो n+2 कर दो ना। अब ये तो आप समझ पा रहे हो ना कि -2 अगर ब्रेक पॉइंट है तो n+2 ही लिखेंगे, 1 ब्रेक पॉइंट है तो n-1 ही लिखेंगे। दीज थिंग्स आर क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो इस 1 को आगे लेके गए, एक यूनिट ऊपर चले जाइए, प्लस यू ऑफ n+1। फिर इस 2 को आप आगे लेके चले, 2 यूनिट ऊपर जाना पड़ा, तो आपने लिखा 2u1। फिर इस 4 को आगे लेके चले, -3 पे आना पड़ा। अब 4 से -3 पे जाने के लिए कितना नीचे जाना पड़ेगा, पहले तो 4 नीचे गए, ऊपर से 3 नीचे और जाना पड़ा, तो -7 यूनिट नीचे जाना पड़ा। ऐसा तो सब लोग कर पा रहे हो ना, कॉमन सेंस से रिलेट, कि अगर आप 4 पे हो और 4 से पहुंच गए -3 पे तो कितना नीचे जाना पड़ा आपको, -7 आपको नीचे जाना पड़ा। तो इस पॉइंट के पे क्या करते हैं, -7 यू ऑफ एन माइनस वन। अभी आप -3 का आगे लेके गए, -3 से -5 पे जाना पड़ा, यानी 2 यूनिट और नीचे आपको जाना पड़ गया, यू ऑफ एन माइनस टू। अब ये -5 आप आगे लेके चले, -5 से -3 यानी +2 यूनिट ऊपर आपको जाना पड़ा, तो ये हो गया +2, ठीक है। अब -3 से 0 जाना पड़ा, अब -3 से 0 जाने का मतलब +3 यूनिट आपको ऊपर जाना। ये तो कर पा रहे हो ना, कितना जोड़ना घटाना है ना। तो ये मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, जो सैंपल वैल्यू दिख रहे हैं उसको बस आगे लेके चलो और देखो 4 से -3 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, -3 से -5 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, -5 से -3 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, -3 से 0 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो -3 नीचे होता है, 0 जाने के लिए आपको +3 यूनिट ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बिना ग्राफ बनाए ना आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूँ कि सीक्वेंस से ही आप समझ लो और बिना कोई फॉर्मूला याद किए, बिना लॉजिक लगाएं, जस्ट बाय यूजिंग कॉमन सेंस कि कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है। ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब एक चीज़ नोटिस करते हैं, देखो आपने बोला ये फाइनाइट ड्यूरेशन था, ज़रा सम ऑफ कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना, 1, 2, 3, 4, 6, -6, 0। तो आपने चेक करा सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0, दिख रहा डन। एंड ऑब्वियसली साइन ऑफ एन तो सब में सेम रहना चाहिए, वो तो हमारा कंटिन्यूस टाइम में भी डिस्कस हुआ। यहाँ पे भी देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट चेक करिए, सम ऑफ कोएफिशिएंट में किसकी बात हो रही है, जब यू एन में लिख दोगे इसके सम ऑफ कोएफिशिएंट मत कैलकुलेट करने लगना, समझिए ना, इसके सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात नहीं हो रही, बात हो रही कि अगर आप इस एक्स ऑफ एन सीक्वेंस को यू एन के फॉर्म में लिख दे तो फिर सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो चेक करना आ जाएगा जी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से भी ले लेते हैं, इसको नोट के फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये क्वेश्चन कोई नोट कर रहा है तो कर लो, फिर मैं नोट पहले बोल देता हूँ वर्बली और उसके बाद आप इसको लिख भी लेना। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी सीक्वेंस यू एन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले चेक कर लो कि n का साइन सेम है सब में या नहीं, और उसके बाद उसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट चेक कर लो, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल रहेगा और एम्पलीट्यूड तो फाइनाइट रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलो तो एक नोट लिख लेते हैं, एनी सिग्नल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यू एन, एनी सिग्नल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यू एन, पहला कोएफिशिएंट ऑफ एन इज पॉजिटिव एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं देन योर सिग्नल विल बी फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट ड्यूरेशन प्लस फाइनाइट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट। देखो जनरली जो आपके सिग्नल्स होते हैं ना वो सारे के सारे यू एन के फॉर्म में ही होते हैं, मतलब एन का कोएफिशिएंट यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे +1, +1, +1, हर जगह पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ एन इज पॉजिटिव एंड समेशन ऑफ कोएफिशिएंट इज 0, उस केस में आप बोल सकते हो फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोग कंटिन्यूस टाइम में पढ़ते थे, बिल्कुल उसी कंसेप्ट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। चलो
अब एक दूसरा केस तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये तो सर फाइनाइट ड्यूरेशन का आपने बताया, ये तो आपने फाइनाइट ड्यूरेशन का बताया ना, इनफाइनाइट ड्यूरेशन में क्या करेंगे? आइए वो भी समझा देता हूँ आपको। इनफाइनाइट ड्यूरेशन में क्या करोगे देख लो, इनफाइनाइट ड्यूरेशन भी बड़ा है सिंपल। इसमें देखो मैं आपसे खुद ही पूछूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे बताना। सपोज मैं एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन का लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स ऑफ एन एस इज हैविंग having infinite duration plus right sided nature ठीक है, तो ये right sided nature और साथ के साथ infinite duration इसमें present है। एक example लेते हैं तो आपको point और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कुछ ले x of n is equal to 1 to 1 minus 3 4 4 4 ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने लगा दिया एरो, सपोज यहां पे कहीं एरो लगा दिया, चलो ठीक है। तो राइट साइडेड इनफाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इन्फिनिटी की ड्यूरेशन है वो हमेशा राइट साइड में जा रही है। इधर आप देख रहे हो लास्ट एलिमेंट 1 है और इसके पहले के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। तो राइट साइडेड इनफाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन तो इनफाइनाइट उसकी रहने वाली है, बट जो उसकी ड्यूरेशन आपको इनफाइनाइट दिख रही है उसमें भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस करना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट साइडेड इन्फिनिटी का नेचर आ रहा है, लेफ्ट साइडेड में इसमें इन्फिनिटी नहीं जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो ये है 1 to 1 minus 3। अब ये 4 4 4 4 4 का सैंपल लगातार रिपीट होता चला जा रहा है ना, तो 4 4 4 का सैंपल लगातार आपका रिपीट हो रहा है। तो आइए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ यार, खुद बताओ इसमें क्या, इसमें राइट साइड में जीरो ऐड करने की जगह है? खुद से बताइए, क्या इसमें राइट साइड में जीरो ऐड करने की जगह है? जगह ही नहीं राइट साइड में जीरो ऐड करने की। अगर नहीं है तो मत करो, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में कर लो। जीरो तो ऐड करना ही करना है। अगर राइट साइड में भी जगह होती या राइट साइड में भी अलाउ करता तो वहाँ भी करते, बट यहाँ राइट साइड में सारी जगह किसने फिक्स कर रखी है? 4 4 4 ने। तो राइट साइड में अगर सारी जगह 4 4 4 ने फिक्स कर रखी है फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर इधर ही डालो जीरो। और यहाँ पर अगर आपको एन लिखने का मन है तो लिख लो, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये मिल जाएगा -1 -2। फिर से यहाँ पे वही काम करो। कौन सा काम? ये लेके चलो, इसको जीरो वाला लेके चले, यहाँ पे +1, तो ये मिला u ऑफ n +1। और आगे बढ़े, दो पे पहुँचे तो ये मिल गया +u। दो से फिर वापस 1 पे आए, -u ऑफ n -, ठीक है। अब 1 से पहुँचे -3 पे, एक पे थे -3 पे आप पहुंच गए, कितने का चेंज मिल गया? -4 का। कहाँ पे? u ऑफ n -2 पे। अब -3 से पहुंचना था 4 पे, तो -3 से 4 पे अगर पहुंचे तो नेट चेंज कितना मिल गया? +7 u ऑफ n -3। अब 4 से 4 पे पहुंचने के लिए कितने का चेंज हुआ? 0 का। फिर अगले 4 से 4 पे पहुंचने के लिए कितने का चेंज हुआ? 0 का। यानी इसके आगे अगर आप लिखना भी चाहो तो आप यही लिखोगे, 0 u ऑफ n -4 +0 u ऑफ n -5, विच इज़ एज गुड एज कि आप कुछ भी मत लिखो इसकी जगह, है ना। यानी कि इसका जो आंसर होगा जितना मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ उतना ही आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। अब आपका मन, आप चाहो तो सम ऑफ कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके देख लो, आपका सम ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पे नॉन जीरो आएगा, है ना। जीरो नहीं आ सकता फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ही इनफाइनाइट है। समझ आ गया सभी को? तो चेक कर लो, यू ऑफ एन +1 u(n, u-1) दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दोनों केसेस समझ में आ गए ना। तो मैं आपको बताता हूँ हम आज की क्लास में कर क्या रहे थे। आज की क्लास में अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने सबसे पहले un और del n के बीच में रिलेशन निकाला, फाइन वो तो समझ में आ गया। साथ के साथ del n और un में रिलेशन निकाला और उनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एक रिलेशन स्टैब्लिश करे। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया कि आपको कोई डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस दे रखा है ना, जैसे ये xn दे रखा है, तो आप एक x ऑफ n को कैसे लिख सकते हो? एक तो del n के फॉर्म में आप हमेशा लिख सकते हो, उसमें तो कोई चैलेंज है ही नहीं, del n लिखना सबसे सिंपल है। बट क्या किसी भी सीक्वेंस को आप un के फॉर्म में भी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट उसमें दो कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। अगर वो फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो दोनों साइड 0 0 डाल देना, और अगर वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड नेचर का है तो आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे 0 डाल देना, इधर ही 0 डालने की पॉसिबिलिटी बनी है तो इधर ही आप 0 डाल सकते हो। आया सभी को ये पॉइंट समझ में? ठीक है, तो इसमें यही दोनों केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
इनफाइनाइट ड्यूरेशन एक लेफ्ट साइडेड नेचर भी होता है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वैसे केसेस आपको कभी देखने को मिलते नहीं, ठीक है। तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट अभी जितना डिस्कस कर रहा हूँ एटलीस्ट उतना पोर्शन आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाना चाहिए। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया सभी को? चलो, अब ये तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, ये मैंने सिखा दिया एनालिसिस, मतलब ग्राफ बनाओ, सीक्वेंस दियो, वहाँ से आप मैथमेटिकली इसको आप कैसे लिख पा रहे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंथेसिस की, या ग्राफ बनाने वाली बात अगर कर लें, कि अगर मान लो सपोज आपको कोई ग्राफ मेंशन कर रखा है, कोई ग्राफ अगर आपको मेंशन कर रखा है डिस्क्रीट के केस में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा सा 30 सेकंड्स का थोड़ा सा रिफ्रेश करो माइंड, और फिर ये वाला देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इसमें आपको पूरा ग्रे कोड और बाइनरी कोड की फील आ जाएगी, जैसे आप लोग करते हो ना ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे भी सिखा दूंगा कि यहाँ पे आप कैसे कन्वर्जन वगैरह कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। आपको एक्स ऑफ एन मेंशन कर रखा है 3 टाइम्स डेल ऑफ एन प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स डेल ऑफ एन प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स डेल एन प्लस 5 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 1 प्लस 6 डेल ऑफ एन माइनस 2, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ से आप x ऑफ n का सीक्वेंस लिखो। तो आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, तो डेल n कभी भी आपके सामने ना चैलेंज थ्रो करेगा ही नहीं, डेल n तो बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा। तो डेल ऑफ n में अगर आप लिखते तो आप देखते हैं n इक्वल टू माइनस 2 पे सैम्पल कितना है, वैल्यू 3, n इक्वल टू माइनस 1 पे है माइनस 2, n इक्वल टू 0 पे है माइनस 4, और आप यहाँ पे लगा देते एरो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लगा देते, एरो लगा देते, यहाँ पे आप लिखते माइनस 4, यहाँ पे लिख देते 5, और यहाँ पे लिख देते 6, ऐसा बन जाता। तो बस आप इसमें क्या करो, वैल्यूज़ को ट्रैक करते जाओ। प्रॉब्लम यहाँ पे तब हो जाती जब बाय द वे ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा होता। पहले तो ये देख लो, आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया एरो वगैरह कैसे लगाना हो, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अगर मैं और दूँ आपको, जिसमें मैं बीच में ना क्या करूँ कि कोई एलिमेंट मिस कर दूँ, तो सबसे पहले आपको ये ऐसे सीक्वेंस में क्या करना होता है, सबसे पहले ये इंश्योर करना होता है कि क्या सारी वैल्यूज़ ऑफ एन प्रेजेंट हैं या नहीं। सपोज मैं ऐसा कर देता ना, तो जल्दीबाजी में आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 डेल प्लस 5 ऑफ डेल ऑफ एन माइनस 2 प्लस 6 ऑफ डेल ऑफ एन माइनस 2, सेम क्वेश्चन है ना। तो आगे से हम ऐसे क्वेश्चंस में हैबिट क्या डालते हैं कि ब्रेक पॉइंट पहले ही निकाल लेंगे, सबका ब्रेक पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, ताकि अगर बीच में कोई ब्रेक पॉइंट छूट रहा हो ना तो उसको हम पहले ही एड्रेस कर पाएं। ये माइनस 3, यहाँ से ब्रेक पॉइंट माइनस 1, यहाँ से ब्रेक पॉइंट एन इक्वल टू 0, यहाँ से ब्रेक पॉइंट n इक्वल टू 1, और यहाँ से ब्रेक पॉइंट n इक्वल टू 2। अब जब आप इसको लिखने जाओगे ना तब आपको थोड़ी सहूलियत महसूस होगी, क्योंकि आपको समझ आया कि माइनस 3 पे तो 3 है बट माइनस 2 वाला एलिमेंट मिसिंग था, तो वहाँ पे 0 डालना भी हो जाता है काफ़ी ज़रूरी। बाकी तो सब आपका सेम ही रहेगा जैसे ऊपर वाले केस में, समझे। तो ये एक पॉइंट होता है जो आप आगे से ध्यान रख सकते हो, कि जब भी आपको कोई भी एक्स एन दिया हो और उससे बोला जाए सीक्वेंस आप लिखो वापस से, तो डेल एन के कॉम्बिनेशन में ब्रेक पॉइंट निकाल लो, देखो अगर एक आधा कोई ब्रेक पॉइंट मिस हो रहा है तो उसको आप इंक्लूड करना मत भूलिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ यूएन वाला, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। अच्छा, ये कोई नोट कर रहा तो कर लो यार, ठीक है। तो आज की क्लास आप देख रहे होगे ना, पूरी तरीके से टेक्निक बेस्ड क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कंप्लीटली टेक्निक बेस्ड क्लास पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें टेक्निक पे बेस्ड है। तो जस्ट इनकी प्रैक्टिस करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल, ठीक है। चलो, तो मैं आपको एक यूएन वाला क्वेश्चन देता हूँ यार, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यूएन के केस में करना है। तो अगर आपने कभी बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी पढ़ा होगा ना, तो बिल्कुल वही वाली फील आपको यहाँ पे आ जाएगी। एक्स एन आपको मेंशन कर रखा है 3 इंटू यू ऑफ एन प्लस 2 माइनस 4 इंटू यू ऑफ एन प्लस 1 प्लस 3 यू एन माइनस 4 इंटू यू ऑफ एन माइनस 2 प्लस 6 इंटू यू ऑफ एन माइनस। चलो देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है आपको। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने बोला ब्रेक पॉइंट निकालो। जो आप यहाँ से ब्रेक पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखा माइनस 2, यहाँ पे दिख गया माइनस 1, यहाँ पे दिख गया 0, यहाँ पे दिख गया 2, यानी बीच में एक मिस हुआ, यहाँ पे दिख गया 4, यानी बीच में एक मिस हुआ। जब भी ऐसा आपको एक्सप्रेशन दिखे ना, आप पहले क्या करो, सारी पॉसिबल एन की वैल्यूज़ को यहाँ पे इंक्लूड करो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यूज़ को इंक्लूड करता तो मैं पहले इसको ऐसे लिखता, n प्लस 2 माइनस 4 ऑफ
यू ऑफ एन प्लस वन प्लस थ्री ऑफ यू एन प्लस ज़ीरो ऑफ यू ऑफ एन माइनस वन माइनस फोर ऑफ यू ऑफ, इसको मैं थोड़ा पीछे से लिखता हूँ क्योंकि फिर मुझे वो सीक्वेंस भी बनाना होगा, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं। तो ये मिला आपको थ्री ऑफ यू ऑफ एन प्लस टू माइनस फोर ऑफ यू ऑफ एन प्लस वन प्लस थ्री ऑफ यू एन। अब देखो जो जो मिसिंग होते हैं ना उसको लिखना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, अदरवाइज आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो वो तो आपको ब्रेक पॉइंट से पता चल जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो कॉमन सेंस से भी आप उसको रिलेट कर लो। चलो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसा लिखने में। अब वही ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो करना क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से एक्स ऑफ एन लिखना चाहते हो तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। देखो यहाँ से क्या करो, इस तीन को उठा के लाओ, ये तीन लेके आए, अब इस तीन को भेजो यहाँ पर, तीन इस माइनस चार में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा नीचे माइनस वन, इस माइनस वन को भेजो यहाँ पर, माइनस वन तीन में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा दो, इस दो को भेजो यहाँ पर, ज़ीरो में ऐड हुआ तो दो, इस दो को भेजो यहाँ पर, माइनस चार में ऐड हुआ तो माइनस दो, इसको भेजो यहाँ पर, ज़ीरो में ऐड हुआ तो माइनस दो, इसको भेजो यहाँ पर, छः में ऐड हुआ तो चार, है ना मज़ेदार टेक्निक। देख लो एरो कहाँ पर लगाने वाले हो, इसमें कैसे पता चलेगा कि एरो कहाँ पे लगाने वाले हो, जहाँ पे आप इसमें यू एन वाले एलिमेंट को नीचे लिख रहे हो। तो देखो यहाँ से आपने माइनस वन भेजा तीन के पास ना, इसमें दो ऐड हुआ तो दो पे लगा दो एरो, काम खत्म करो, चेक कर लो, है ना। तो ऐसे ही कुछ करते हो ना बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी में, अगर आपको याद हो तो, यस और नो। तो देखो कितनी अच्छी टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। कोई डाउट रह गया हो तो पूछो, कोई डाउट नहीं है ना, आसानी से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लें, ऐसे ही मिलता जुलता। चलो फिर दोनों क्वेश्चन से ना एक ऑब्जर्वेशन भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन से एक ऑब्जर्वेशन भी समझाता हूँ। अब अगला क्वेश्चन पहले आप करना, क्योंकि अब ये सब करने में आपको मजा आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फिर इन दोनों क्वेश्चंस का ना मैं आपको एक डिफरेंस भी समझाता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चंस में असल में डिफरेंस है तो है क्या। तो यहाँ पे आपको एक्स ऑफ एन मेंशन कर रखा है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू थ्री यू ऑफ एन प्लस थ्री माइनस फोर यू ऑफ एन प्लस वन प्लस थ्री यू एन माइनस फोर यू ऑफ एन माइनस वन प्लस सिक्स यू ऑफ एन माइनस टू माइनस फोर यू ऑफ एन माइनस थ्री, ठीक है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, देख लो यार जरा क्वेश्चन सभी लोग, ओके। अब इस क्वेश्चन से हम क्या करना चाहते हैं, अपने एक्स ऑफ एन का सीक्वेंस लिखना चाहते हैं। तो आइए यहाँ से एक्स ऑफ एन का सीक्वेंस लिखते हैं, उसके पहले आपको पता है ब्रेक पॉइंट वगैरह एक बार निकाल के चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ब्रेक पॉइंट ना भी निकालो ना तो भी आपको लग जाएगा कि एन प्लस थ्री था, एन प्लस वन था, एन था, एन माइनस वन था, एन माइनस टू था, एन माइनस थ्री था, एन प्लस टू यार बीच में मिसिंग था, ठीक है। तो उसको इंक्लूड कर लो। तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स ऑफ एन आपके लिए दोबारा, इट इज़ थ्री ऑफ यू ऑफ एन प्लस थ्री प्लस ज़ीरो ऑफ यू ऑफ एन प्लस टू माइनस फोर ऑफ यू ऑफ एन प्लस वन प्लस थ्री ऑफ यू एन माइनस फोर ऑफ यू ऑफ एन माइनस वन प्लस सिक्स ऑफ यू ऑफ एन माइनस टू माइनस फोर ऑफ यू ऑफ एन माइनस थ्री। ये है पूरी की पूरी कहानी। अब क्या करना है, अब एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर से वही चीज़, अगर यहाँ से मैं सीक्वेंस लिखना चाहता हूँ तो तरीका वही, तीन को उठा के लाओगे तीन, यहाँ पे भेजोगे ज़ीरो से जुड़ेगा तीन, माइनस चार से जुड़ेगा माइनस वन, माइनस वन को तीन में ऐड करोगे दो, यहाँ से मिलेगा माइनस दो, यहाँ से मिलेगा चार, यहाँ से मिला जीरो। कहाँ पे लगाना है एरो, जहाँ पे आप यू एन वाला एलिमेंट नीचे लेके आ रहे थे यहाँ पे लगा दो एरो, है ना। तो यू एन से एक्सन लिखना विद इन सेकेंड्स मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आप पहले तो ये बता दो कितने लोगों को ये समझ में आ गया, आ गया समझ में ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है।
कर लिया सभी ने, नोट कर लिया, नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट करो। तो मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके चलो देखो, अगर आपने पिछला वाला नोटिस किया हो तो लास्ट एलिमेंट जीरो नहीं आ रहा था, और यहाँ पे नोटिस किया हो तो लास्ट एलिमेंट जीरो आ रहा आपका, है ना। तो आपका लास्ट एलिमेंट जो जीरो होता है ना, वो बताता है सिग्नल का फाइनाइट ड्यूरेशन का नेचर। तो अगर आपका लास्ट एलिमेंट अगर जीरो आ जाता है तो आप बोलोगे फाइनाइट ड्यूरेशन। चाहे तो चेक कर लो सम ऑफ कोएफिशिएंट 0-11। और अगर लास्ट एलिमेंट आता है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो है इनफाइनाइट ड्यूरेशन। इसका मतलब वो होता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है। तो इस वाले सीक्वेंस को अगर कोई मुझसे पूछता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं उसको बताता कि ये असल में जो आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है 3-1 2-2 -2 4-4 क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं आया ना। लास्ट में अगर जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट ड्यूरेशन का। तो ये दो पार्ट्स। तो इतना ही आज के सेशन में, होपफुली आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। तो डेल एन यू एन, यू एन डेल एन के बीच का रिलेशन समझ में आ गया। और अगर आपको एक्स ऑफ एन दिया है तो उससे डेल एन और यू एन में कैसे लिखना है, ये समझ में आ गया। अगर आपका एक्स ऑफ एन डेल एन और यू एन के फॉर्म में दिया है तो उससे सीक्वेंस कैसे रिकवर करना है। तो ये सारे कंसेप्ट, सारे टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना। आपको नेक्स्ट लेवल के कंसेप्ट मैंने दिए हैं एब्सोल्यूटली फ्री। सेम जो आप शायद कहीं ये सारी टेक्निक्स नहीं सीख पाते, अब ये सारी टेक्निक्स अगर आप सीखते हो और प्रैक्टिस करते हो और एग्जाम के मार्क्स में कन्वर्ट करते हो, तभी ये हेल्पफुल होता है। तो आप कोशिश करो कि ये सारी टेक्निक्स को पढ़ो, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो, और सिग्नल सिस्टम आपके लिए ऐसे पूरा मज़ेदार रहने वाला है, एप्टीट्यूड बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ टेक्निक के भरोसे पूरा पढ़ेंगे लास्ट तक, जेड ट्रांसफॉर्म तक भी, प्रोवाइडेड आपका अटेंडेंस मेंटेन रहना चाहिए, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, और चैनल को आपका सब्सक्रिप्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता है, तो जैसा मैंने पहले बोला कि अभी फर्स्ट चैप्टर चलेगा सिग्नल का, उसके बाद एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वेदर वी शुड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर और नॉट, है ना। चलो फिर आज के सेशन में इतना ही है। बाकी जैसा मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि यार स्पेशल क्लासेस में आपका सिग्नल सिस्टम का PYQ तो चलने वाला है, साथ के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हो। पुराने लेक्चर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी प्लस पे नहीं आए हो तो अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो। 12 मंथ के लिए, 18 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और कॉस्ट इसकी बहुत नॉमिनल है, जितनी आपकी कोई ट्यूशन फी आपने कभी करते होगे 11 12th में, उससे भी कम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड विद इन लेस देन 2000 मंथली आपकी EMI पड़ती है। तो आप इसको बाई पार्ट्स पेमेंट कर सकते हो या मंथली EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हो। कोड आप कौन सा लगाने वाले हो, ये कोड लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। 31st से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंट्रोल सिस्टम, तो अगर आप कंट्रोल सिस्टम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पे ये कोड लगा के आ जाना और हमारी गाइडेंस पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो आइकॉनिक में 1 ईयर की फी कॉस्ट करती है अराउंड 45K एंड 2 ईयर की अराउंड 66K। बट यहाँ पे पर्सनल कोच, मेंटरशिप, स्टडी बूस्टर सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा के आ सकते हो और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी पा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में और इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अब देखो कंटिन्यूअस टाइम अलग कर लिया, डिस्क्रीट अलग कर लिया, तो कल की क्लास में अब स्टार्ट होगा कैटेगराइजेशन ऑफ सिग्नल, इवन ऑड, इवन कॉन्जुगेट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, एनर्जी पावर, इन सब को फिर हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि अब हम डिस्क्रीट में अलग से कंफर्टेबल हो गए, कंटिन्यूअस में अलग से। तो पूरा रिवाइज करके आना कल की क्लास में, कल की क्लास होगी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।